हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक। और वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर गौसिया। देख रहे हैं बाहर में कपड़े सूख रहे हैं, बट सूखता नहीं है बाहर में, अंदर ही रखना पड़ता है फ़ैन में। और यहाँ हो रही है तैयारी इफ्तार की। आज 9वां मुहर्रम है दोस्तों, तो घर में सब रोज़े हैं, बच्चे भी रोज़े रखे हैं मेरे दोनों और मेरे हस्बैंड। तो ये देखिए मैं बना रही हूँ इफ्तार, और इफ्तार में बहुत सारी चीज़ें दोस्तों जो रमज़ान में बनती है वही बना रही थी फुल इफ्तार। तो ये आप देख ही सकते हैं, मैं आलू चॉप, अंडा चॉप और बैगन का बैगनी और पकोड़े, चने, फ्रूट्स वगैरह सब थे। तो ये मैं आलू चॉप बना रही हूँ। आलू चॉप अलग तरह का है इसका। देखिए मैं आलू, बॉयल्ड आलू को मैं मैश करके नमक डाल के उसमें बीच में स्टफिंग, सिर्फ प्याज और मिर्च और नींबू की स्टफिंग भर रही थी, और ऊपर से उसको डाल के दबा दे रही हूँ, और इसे बेसन में लपेट के मैं छान दूँगी। तो ऐसे बना रही हूँ। उसका फुल डिटेल रेसिपी चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं ज़रूर बता दूँगी डिटेल से। तो अभी जल्दी जल्दी काम करना था इसीलिए मैं थोड़ा बहुत शूट कर पाई हूँ। इफ्तार का टाइम हो चला है दोस्तों, और ये मैं 10वें मुहर्रम में कर रही हूँ। आज भी सब रोज़े से है, इफ्तार आज भी बनेंगे, और आज का स्पेशल खिचड़ा है तो भी बनेगा। तो ये देखिए यहाँ बन रही है गुलाब जामुन की तैयारी हो रही है। ये मावा है, इसमें मैंने थोड़ा सा मैदा मिला के इसको अच्छी तरह गूंद ले रही हूँ, और इसे अच्छी तरह से गूंद ले, हल्का सा मैदा मिला है, नहीं तो फिर टेस्ट इसका मैदा मैदा टाइप का हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मावा रखे खोआ। और दोस्तों आप लोग ने क्या किया मुहर्रम में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए मैं छोटे छोटे पेड़े तोड़ के इसे गोल गोल कर ले रही हूँ, और ये देखिए बहुत अच्छे बने थे, सॉफ्ट और रसीले रसगुल्ले। ये देखिए मेरे बन गए, तैयार हैं। सिर्फ इतना ही मैंने बनाया था, जल्दी जल्दी बनाना था इसलिए मैं इतना ही बना के छोड़ दी। और अब चल रही हूँ फ्राई करने की तरफ सब चीज़ों को। तो ये देखिए पहले मैं रसगुल्ले निकाल लूँगी फ्राई करके। मैंने तेल डाला, सभी चीज़ें तैयार है, सिर्फ फ्राई करने हैं सबको। और ये देखिए रसगुल्ले फ्राई हो गए, और बची हुई जो मेरी चाशनी थी लेफ़्ट ओवर, पहले मैंने अमूल का रसगुल्ला ख़रीदा था मार्केट से, तो उसकी लेफ़्ट ओवर बची हुई चाशनी में ही मैं इसे डिप कर दूंगी। चलिए थोड़ा टाइम बच गया चाशनी बनाने का। चाशनी बनाना कोई ये नहीं है दोस्तों, सिर्फ चीनी और पानी मिला के उसको उबाल देना है बस। कोई तार, एक तार या दो तार की चाशनी नहीं बनानी पड़ती रसगुल्ले के लिए। सिर्फ उबाल दीजिए और उसमें बंद करके गैस, उसमें नींबू ज़रूर डाल दीजिए 2-3-4 बूंद, क्योंकि उससे अच्छे चाशनी आपके अच्छे रहते हैं। और उसमें इलायची कूटकर या फिर सैफ्रॉन भी डाल सकते हैं, ज़ाफ़रान। तो ये देखिए मेरी बेटी मेरे पीछे कर कर के किचन में आ जाती है, खड़ी हुई है हमेशा अम्मा अम्मा कर कर। ये आ गई है फिर इसे फिर ये बाहर चली गई थोड़ी सी मस्ती। और बच्चों ने भी रोज़ा रखा, अल्लाह के शुक्र से सब पूरा हो गया है। और ये देखिए प्लीज़ दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और एक सब्सक्राइब करना तो बनता है दोस्तों, सब्सक्राइब कर दिया करें। और बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा है, वही बारिश का मौसम है, हरे हरे पेड़ पौधे बन चुके हैं। ये देखिए मैं सोचा चलो आप लोगों को बाहर का एक बार व्यू दिखा दूँ। और ये देखिए मैंने रसगुल्ले उसमें डाल डिप कर दिए हैं, टेस्टी टेस्टी रसगुल्ले। आइए आप लोग भी हमारे साथ इफ्तार करें। और ये देखिए बन रहे हैं सैलेड, और ये मेरा कंप्लीट व्यू। फ्रूट्स मैंने काट लिए हैं, सैलेड बन गए, और ये बन रहा है पोहा। फ्राई कर रही हूँ दोस्तों, जिसे हम लोग चूड़ा भी बोलते हैं। ये देखिए चना है, और चना दाल फुला कर उसमें थोड़ा सा इस तरह से हम लोग डालते हैं। और पोहा है, ये रेडी है सबके लिए इफ्तार। और अल्लाह सबको इफ्तार, रमज़ान रोज़े, रमज़ान के रोज़े और वो तो फ़र्ज़ होते हैं दोस्तों, और ये अल्लाह को पसंद आता है ये मुहर्रम के रोज़े रखने से।
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे के सदक़े में। तो प्लीज़ दोस्तों, और आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दें और फुल वॉच करें वीडियो को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।